हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज एफटी टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन जिसका आपका बॉटनी का सिलेबस है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड थर्ड इज जीवा समष्टिया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशनस चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बॉक्स कैन फिक्स एटमोस्फिर नाइट्रोजन इनमें से बॉक्स में सूचीबद्ध सूक्ष्म जीवों में से कितने वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं फिक्स कर सकते हैं तो वो होंगे आपके एना बैना हो गया आपका नॉस्टॉक हो गया ऑसिलेटोरिया ये तीनों तो बीजीए हो गए मतलब साइनो ब्लू ग्रीन एलगी और अजोटो जो है वो भी कर सकता है आपका फ्री लिविंग कंडीशंस में तो वो भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है तो चारों जो बॉक्स में दिए गए नेम्स हैं चारों माइक्रोब्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट इज पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय

ऑयली स्टेन्स को रिमूव करते हैं तेल के धब्बे हटाने में लाइपेस काम करता है क्योंकि लिपिड्स और फैट्स होता है मेनली ऑयल्स में इसीलिए तो फर्स्ट हो जाएगा पैक्टिनेस जो है वो पैक्टिन को डिग्रेड करेगा और पैक्टिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेड कहाँ होता है मिडिल लैमेला में मिडिल लैमिला आपको कहाँ मिलेगी प्लांट्स की सेल्स के बीच में तो यहाँ पर फ्रूट जूसेज में इसका यूज किया जाता है क्लेरिफाई करने में फलों के रस को साफ करने में इसका यूज किया जाता है तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो क्या करता है आपका क्लॉट रिमूव करता है फ्रॉम ब्लड वेसल्स रक्त वाहिका से थक्का हटाने में सहायता करता है और इसीलिए सही मैच हो जाएगा थर्ड अमाइलेज स्टार्च को डिग्रेड करता है तो फोर तो वन टू थ्री फोर सही सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया वॉज डेवलप्ड बाय भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास किसके द्वारा हुआ था आई ए आर आई दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड के वी आई सी तो यहां पर दोनों ने मिलकर जो है टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इंडिया में डेवलप करी थी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन विच ऑफ द गिवन इज bacterial फर्मेंटेड प्रोडक्ट दिए गए में से कौन सा जीवाणु किणवित उत्पाद है जो बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्मेंटेशन करके और प्रोड्यूस किया गया हो तो, तो दैट इज स्विस चीज स्विस चीज जो होता है वो आपका एक बैक्टीरियल फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट है बाकी तीनों जो है वो आपके जनरली जो है फंजाई जैसे अगर हम बियर और ब्रेड की बात करें स्पेशली तो वो ईस्ट के द्वारा फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट है ग्रेटर वैल्यू ऑफ BOD रीप्रेजेंट बीओडी की बड़ी हुई मात्रा क्या दर्शाती है भाई बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज्यादा बीओडी इसका मतलब उतना ही ज्यादा गंदा वो पानी है पोल्यूटेड वो वॉटर है सो हायर पोल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वॉटर यस जल की उच्च प्रदूषणकारी क्षमता को दर्शाती है तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आईपीएम आईपीएम क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिक्स फॉर कंट्रोल ऑफ सिंगल पेस्ट ऑन वन और मोर क्रॉप्स सही है एक या एक से अधिक फसलों पर एकल कीट के नियंत्रण के लिए युक्तियों का एकीकरण कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू क्रॉप्स इसमें ऐसी स्थिति बनी रहती है जिससे कीटों द्वारा फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंचाने से रोका जाता है सही है इट इंक्लूड्स यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट और टॉलरेंट वेराइटीज इसमें कीट प्रतिरोधी या सहनशील किस्मों का उपयोग सम्मिलित है बिल्कुल सही है इट नॉट इंक्लूड प्रिडेटर्स इंक्लूड होते हैं भाई। इसमें परभक्षी और रोगजनकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। किया गया है उन्हीं के तो अकॉर्डिंग हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट डेवलप करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ राइपनिंग ऑफ स्विस्ट चीज इज फैसिलिटेटेड बाय स्विस चीज को पकाना किसके द्वारा संभव होता है भाई ये बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है आपका स्विस चीज और इसमें जो बैक्टीरिया वर्क करता है दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड रीड द स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए स्टेटमेंट ए बोल रहा है लेडी बर्ड अ बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग एफर्ट्स बिल्कुल सही है कि लेडी बर्ड जो लाल और काले निशान वाली भ्रंग एफिट्स को नियंत्रित करने में उपयोगी होती है सही है स्टेटमेंट बी बोलता है ड्रैगन फ्लाईज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज ड्रैगन फ्लाई मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए उपयोगी है ये भी सही है तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन अब यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स बॉक्सेस दिए गए हैं उनको हमें फिल करना है तो सबसे पहले हम बी की बात करते हैं अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर आपका लैक्टोबैसिलस माइक्रोब यहां पर माइक्रोब जो आएगा जो आपको साइक्लोस्पोरिन प्रोवाइड करता है दैट इज योर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ट्राइकोडर्मा अगर एक ही बात करें लैक्टोबैसिलस जो मेकिंग में यूज हो रहा है और प्रोडक्ट क्या होगा इसका इसका प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड और सी में जो हमारे आएगा दैट इज मोनेस्क परप्यूरियस स्टेटन आपको प्रोवाइड करता है और इसका यूज क्या है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये लोवर करता है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल चलिए तो ए यहां पर हो गया हमारा लैक्टिक एसिड जो हमें सिर्फ एक में ही दिख रहा है इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स इज पॉसिबल बाय रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों में पुनर्लाभ किसके द्वारा संभव है मेरिस्टेम कल्चर क्योंकि मैरिस्मेटिक सेल्स जो होती हैं वो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं तो नई सेल्स बनाएंगी नई सेल्स जो हैं वो रोग ग्रसित नहीं होंगी और ऐसे हम हेल्दी प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं खाद्य पादपों का उत्पादन करने के लिए माइक्रोप्रोपिगेशन जहां हम सेल या टिश्यू की कल्चरिंग करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं माइक्रो मतलब किसी छोटे पार्ट से हम प्रोपिगेट कर रहे हैं प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं सो दैट इज माइक्रोप्रोपिगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन इन टिश्यू कल्चर ऑप्टिमम पीएच ऑफ कल्चर मीडियम शुड बी उत्तक संवर्धन में संवर्धन माध्यम का इष्टतम पीएच होना चाहिए 5.7 ये सबसे अच्छा पीएच माना जाता है जिससे टिश्यू की ग्रोथ काफी अच्छी होगी तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट वैरायटी इज यूज एज अ डोनर टू परफॉर्म प्रोटीन बायोफोर्टिफिकेशन एंड कल्टीवेटेड वैराइटीज निम्नलिखित में से गेहूं की किस किस्म का उपयोग फसल किस्मों में प्रोटीन जैव पुष्टिकरण करने के लिए दाता के रूप में किया जाता है भाई बायो फोर्टिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां आप अपनी क्रॉप्स की वैरायटी को इंप्रूव कर रहे हैं क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं उसमें मिनरल प्रोटीन्स वाइटमिन्स ऑयल इनका कंटेंट और इनकी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं तो वीट की उस कौन सी वेराइटी का यूज करेंगे हम प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाने के लिए या क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो दैट इज एटलस 66. सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड सिलेक्ट द इन करेक्ट मैच गलत मिलान का चयन कीजिए वीट हिमगिरी इसकी एक वैरायटी है ब्रासिका पूसा पूर्णिम चिली पूसा कोमल चिली की नहीं है और ये हमारा गलत मैच हो जाता है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड लेग्यूम्स आर कॉमनली डेफिशियंट इन फलियों में सामान्यतः किसकी कमी होती है लाइसिन और ट्रिप्टोफेन यहाँ होता है ट्रिप्टोफेन और मिथ्योनिन भी होता है मिथ्योनिन और साइट सिस्टीन जो है वो यहाँ पर लाइसिन और ट्रिप्टोफेन यहाँ पर मिल जाएगा पर लेकिन उसमें जनरली जिसकी कमी होगी वो होंगे आपके मिथ्योनिन और सिस्टीन जैसे अमाइनो एसिड्स तो यहाँ पर ये डिफिशियंट होते हैं और इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ड्यूरिंग कैलस कल्चर शूट रीजनरेशन इज प्रमोटेड बाय एक्सेस ऑफ कैलस संवर्धन के दौरान किसकी अधिकता से प्ररोह पुनरुद्भवन को बढ़ावा मिलता है है तो दैट इज साइटोकाइन जो वो शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है जबकि ऑक्सीजन जो है वो रूट ग्रोथ को प्रमोट करता, करता है दोनों को रेशियो में लिया जाएगा अगर साइटोकाइन ज्यादा है रेशियो में तो मतलब शूट ग्रोथ प्रमोट होगी ऑक्सीजन ज्यादा है तो रूट ग्रोथ प्रमोट होगी तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फॉलोइंग बी मैक्म इन निम्नलिखित जीवोम में से किसमें औसतवार्षिक वर्षा अधिकतम होगी तो वो होंगे हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां सबसे ज्यादा मीन एनुअल रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी और इसीलिए सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी डाय। भी आपको यही देखने को मिलेगी स्टेटमेंट ए बोलता है टेम्परेचर अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वही सही है कि तापमान जीव के कार्य की कार्यो को प्रभावित करता है क्योंकि एंजाइम्स को इफेक्ट करता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट बी बोलता है द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन वाटर बिल्कुल सही है कि जहाँ जितना ज्यादा पानी होगा वहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और पेड़ पौधे भी आपको ज्यादा मिलेंगे पादपों की उत्पादकता और वितरण जल पर निर्भर होता है दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं बर्ड्स कैन टॉलरेट लार्ज चेंजेस इन टेम्परेचर दे आर पक्षी तापमान में बड़े परिवर्तनों को सहन कर सकते हैं वे हैं कैसे हैं वे यूरीथर्मल हैं यूरीथर्मल मतलब जो एक वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस कैपेसिटी रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यूरीथर्मल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट द थ्राइविंग ऑफ बेंथिक एनिमल्स इज डिटर बाय जलीय वातावरण में नितलस्थ प्राणियों की उत्तर निर्धारित होती है सेडिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक से भाई सेडिमेंट जो है जो जमा हुआ है नीचे वो कैसा है उस पर डिपेंड करेगी कि कितने बैंथिक एनिमल्स और किस टाइप के बैंथिक एनिमल्स आपको मिलेंगे तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इन पीपीटी इज समुद्र की लवण सांद्रता पीपीटी में है कितनी है थर्टी टू थर्टी फाइव आपका गिवन है सीधा सीधा तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड

सर्दी वाली जगहों पर पोलर रीजन जो होते हैं वो सर्दी वाले एरियाज़ होते हैं जहां माइनस में टेम्परेचर जाता है और इसीलिए वहां सर्वाइव नहीं कर पाते हैं सो लार्ज सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स सर्फेस एरिया लार्ज होता है एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट फाउंड इन जू कॉल्ड प्राणी प्लवक में पाई जाने वाली निलंबित परिवर्धन की अवस्था कहलाती है यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन प्लांट्स हैव इंटरनल मैकेचर्स नहीं भाई ये बिल्कुल गलत है कि पादपों में आंतरिक तापमान बनाए रखने के लिए विशेष क्रियाविधि नहीं होती है सक्सेस ऑफ मैम लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर की सफलता इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम है दूमियोथर्मिक नेक्स्ट इज स्नेल्स एंड फिश गो इन टू एस्टिवेशन क्या स्नेल्स और फिशेज जो हैं वो एस्टिवेशन में जाती हैं बिल्कुल सही एस्टिवेशन मतलब समर्सली समर्स को अवॉइड करने के लिए हीट को अवॉइड करने के लिए ये भी सही है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पर्सन एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड शोज तुंगता रोग का अनुभव करने वाला व्यक्ति दर्शाता है जिसमें हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन की तरफ वो कम हो जाएगी तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड मरुस्थल में पनपने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन प्रदर्शित किया जाता है क्या करता है ये इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन नहीं ये तो कैंग है फोटो सिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैट स्टेम Yes, जैसे हम क्या बोलते हैं फाइलोक्लेड बोलते हैं तो जो प्रकाश संश्लेषी कार्य है वो चपटे तने द्वारा किया जाता है और जो लीव्स होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो यहाँ सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बिलो गिवन पॉपुलेशन एज पिरामिड दी गई समष्टि आयु पिरामिड के लिए गलत कथन का चयन कीजिए भाई ये एक स्टेबल पॉपुलेशन को शो कर रहा है एज पिरामिड सो सच पॉपुलेशन इज स्टेबल और मेच्योर पॉपुलेशन बिल्कुल सही है ग्रोथ रेट रेट जो होगी वो यहाँ पर लगभग जीरो है क्यों क्योंकि जितने बर्थ रेट है उतना ही डेथ रेट है और इसीलिए स्टेबल पॉपुलेशन है ना बढ़ रही है ना कम हो रही है रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन नंबर नहीं है एग्जैक्टली इक्वल नहीं है द पिरामिड इज बेल शेप्ड बिल्कुल सही है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर

से माइनस कर दो जितने डेथ रेट हुई है और जो गए हैं छोड़कर तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन आइडेंटिफाई द रोंग मैच क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन कॉमेंसलिज्म को शो कर रहे हैं सहभोजिता को जहां एक को फायदा होगा और दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान फाइव स्पीशीज ऑफ रैबल यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन स्पर्धा को दर्शा रहे हैं बिल्कुल सही है कॉम्पिटिशन में दोनों को नुकसान होता है टाइगर एंड डियर प्रिडेशन का एग्जाम्पल है यस प्लस माइनस सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रेब एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है एमेंसुल ऐसा होता है ये नहीं है ये कॉमेन्सलिज्म का ही है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से पारस्परिक क्रिया अंजीर और बर द्वारा प्रदर्शित की जाती है है तो वो म्यूचुअलिज्म, जहां दोनों को फायदा होगा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन इन ब्रूड पैरासिटिज्म कुकू इज एंड क्रो इज बी फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन अंड पर जीविता में कोयल ए है और कोआ बी है रिक्त स्थानों को उपयुक्त विकल्प के साथ भरिए। तो ए जो होती है वो पैरासाइट होती है और उसका होस्ट होता है आपका क्रो तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑफ विच केमिकल प्रिवेंट्स द ग्रेजिंग ऑफ कैलोट्रोपिस किस रसायन का स्त्राव कैलोट्रॉपिस को चढ़ने वाले जंतुओं से बचाता है तो वो है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट वेरुलस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ निम्नलिखित में से कौन सा विरुस्ट पर लॉजिस्टिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करने के लिए सही समीकरण है तो वो है डी एन बाय डी टी इज इक्वल्स टू आर एन यहां पर सही ऑप्शन दे रखा है आपको सेकंड सही आंसर हो जाता है सेकंड वैल्यू ऑफ इंटरसिक रेट ऑफ नैचुरल इंक्रीज आर फॉर फ्लोर बीटलिक वृद्धि हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन ये फ्लोर बीटल की इंटरसिक रेट ऑफ नैचुरल इंक्रीज है आर की वैल्यू है कैलकुलेट द बर्थ रेट पर ईयर इफ एन अपॉइंट देर वर टेन लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर पिछले वर्ष कितने थे 10 कमल के पौधे थे तालाब में और थ्रू रिप्रोडक्शन दो नए प्लांट और ऐड हो गए हैं दैट मींस टोटल पॉपुलेशन प्रिंट 12 हो गई है तो आपको बर्थ रेट फाइंड आउट करनी है तो 12 10 अपॉन 10 तो कितना हुआ 2 हो गया यहाँ पर और अगर हम बोलें कि यहाँ पर अगर हमें 2 अपॉन 10 यहाँ पर हो गया है 2 अपॉन 10 अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितना हो गया 0.2 सो दिस इज द बर्थ रेट तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर इयर्स एंड लिम्स दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में सामान्यतः कान और पाद छोटे होते हैं यह संबंधित है एलन के रूल से तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा एलन के नियम से ऑप्शन नंबर ऑर्डर टू स्केप विंटर कंडीशन बियर्स अंडर गो हाइबरनेशन जैसे हम विंटर स्लीप भी बोलते हैं शीत निष्क्रियता से जो है सर्दियों की स्थिति से बचने के लिए भालू गुजरते हैं इनसे और इसी को बोलते हैं हम हाइबर्नेशन ऑप्शन नंबर फोर्थ नीचे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्राइज ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी एक जीव के निकेत से सम्मिलित होते हैं

ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए पॉपुलेशन इवॉल्व होती है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड एएस बेकर यीस्ट बेकरी में प्रोडक्ट होने वाला जो यीस्ट है वो किसे बोला जाता है तो दैट इज सेक्यूरोमाइसिस सेरेविसी तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर विच ऑफ़ द फॉलोइंगज लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल निम्नलिखित में से किसमें एल्कोहल की सांद्रता सबसे कम है तो वो है हमारा बियर क्योंकि यहाँ पर जो हम बोलेंगे कि नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा है अल्कोहल का वो लगभग थर्टीन परसेंट तक ही होता है क्योंकि उसके बाद यीस्ट जो है वो खुद ही मर जाता है अपने पॉइजन से और इसीलिए नेचुरल प्रोड्यूस अल्कोहल जो होगी उनमें हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ थर्टीन परसेंट होगा बाकी इन तीनों में रम विस्की और ब्रांडी अगर हम ले रहे हैं तो वहां पर डिस्टिलेशन के थ्रू जो है अल्कोहल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो सबसे कम जो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा आपकी बियर में तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर Which of the is as clot में से किस जैव सक्रिय योगिक को थक्का स्फोटक के रूप में जाना जाता है जो आपके क्लॉट रिमूव करे ब्लड में जो क्लॉट बन जाते हैं थक्के बन जाते हैं गुच्छे बन जाते हैं उनको हम क्लॉट बोलते हैं और उनको रिमूव करने का काम जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनीस का इसीलिए इसको बोला जाता है क्लॉट बस्टर्स गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड बाय गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा व्हिच टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस आर एग्जिबिटेड बाय बेक्यूलो वायरस जो आपके पॉलीहाइड्रो वायरसेस में आते हैं कैटेगरी में तो बेक्यूलो वायरसिस द्वारा किस प्रकार के, के उपचार का प्रदर्शन किया जाता है दैट इज स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम प्रजाति विशेष ये जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी प्रजातियां हैं आपके कीड़ों की उन सबको ही ये किल कर दें नहीं स्पीशीज स्पेसिफिक होंगे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को ही ये किल कर पाएंगे दूसरी बात सकरे स्पेक्ट्रम में काम करेंगे नैरो स्पेक्ट्रम है इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स पारंपरिक पादप प्रजनन में हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय नॉन स्पेसिफिक सिलेक्शन नहीं म्यूटेशन एंड सिलेक्शन फॉलोड आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन यस कृत्रिम चयन के बाद शुद्ध वंशक्रम का संकरण सम्मिलित होता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम इज किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार है Roots क्या है मूल आधार क्या है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का जेनेटिक वेरिएबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट अनुवांशिक परिवर्तनशीलता जेनेटिक अगर वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो उस हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग प्रोग्राम का कोई बेस नहीं है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग इन वीट इज और व गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है दैट इज नॉर इन टेन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन आउटकम ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्परिवर्तन प्रजनन का परिणाम है वो है हमारी पूसा लेरमा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ मूंग की जो है आपकी ट्राइकोडर्मापोलिसम में, में को नहीं लिया जा सकता ये एक सिंगल सेल प्रोटीन की तरह काम नहीं करता है सही आंसर है ऑप्शन नंबर so ये था आज का हमारा एफ टी टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन जो हमारे ट्वेल्थ क्लास के कुछ चैप्टर्स का था तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में मिलेंगे विद नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स टिल देन यू गाइस की प्लानिंग स्टे सेफ थैंक यू